अजमेर रेलवे स्टेशन ऑल इंडिया SC ST एम्प्लॉयज यूनियन विरोध प्रदर्शन करते हुए निमिनीकरण व निजीकरण का विरोध किया है। इस दौरान तमाम रेलवे SC ST कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और रेलवे के 100 दिन के कार्यक्रम में शामिल निजीकरण व निमिनीकरण को वापस लेने की मांग रखी है। कर्मचारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि अगर कर्मचारियों के हितों पर सरकार कुठारघात करती है तो कर्मचारी शांत नहीं बैठेंगे और जरूरत पड़ने पर वह कुछ भी कर सकते हैं। आज ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो रेलवे में निजीकरण एवं निगमीकरण की जो कार्यवाही प्रस्तावित है उसके विरोध में ये यहाँ पर विरोध हर स्तर पे जोनल और मंडल और कारखाना स्तर पे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन अजमेर मंडल की तरफ से मंडल कार्यालय के में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और ये जो अभी भारत सरकार ने ये जो सात उत्पादन इकाइयों को रेलों को प्राइवेट में देने का जो प्रस्ताव तैयार किया है इसके खिलाफ कर्मचारियों में भारी रोष है, क्योंकि इससे कर्मचारियों के भविष्य खतरे में हैं। देश की जो अभी भारत सरकार की जो नीति चल रही है ये बहुत ही खतरनाक है। ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, ये आम पब्लिक के लिए भी बहुत घातक है, क्योंकि प्राइवेट में जाने के बाद जो लोगों को जो अभी जो रोजगार मिलता है, आम पब्लिक के को भी रोजगार मिलता है, कर्मचारियों के बेटे इसके अलावा आम लोगों के बच्चों को भी जो रोजगार मिलता है वो रोजगार के अवसर सब खत्म हो जाएंगे। विशेषकर ST SC के लिए जो है इसमें ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आज आरक्षण नहीं है, आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जितने ST SC वर्ग है जो आज से 1947 से पहले जिस दयनीय स्थिति में था वापस उसी स्थिति में चला जाएगा, इसलिए ये बहुत घातक है। और ये ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन इसके सरकार की इस नीति को कभी लागू नहीं होने देगी और हर संभव प्रयास करेगी और इसके लिए संघर्ष करेगी। आज हमारे मंडल कार्यालय से अजमेर मंडल से जो ST SC के जो कर्मचारी हैं उन्होंने सबने विरोध प्रदर्शन किया है और आज हम विरोध प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को DRM के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं कि ये जो निगमीकरण की कार्यवाही है इस प्रस्तावित है इसको बंद किया जाए और रेल को बेचने की कार्यवाही नहीं किया जाए।